गुड मॉर्निंग नर्सरी किड्स, वेलकम टू योर टुडे सेशन किड्स। इन मैथ्स टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट नंबर 13। ओके, सो स्टार्ट विद द डेट 2011-20, देन यू विल राइट क्लास वर्क एंड राइट द हेडिंग नंबर 13। सो नाउ वी विल ट्रेस द लेटर 13। स्टार्ट विद द फर्स्ट वन। फर्स्ट वी विल ट्रेस अ स्टैंडिंग लाइन टू द बॉटम लाइन लाइक दिस। देन वी विल ट्रेस अ कर्व, अगेन वी विल ट्रेस अ कर्व इन द सेम वे लाइक दिस। वंस अगेन, फर्स्ट वी विल ट्रेस अ स्टैंडिंग लाइन टू द बॉटम लाइन, देन वी विल ट्रेस अ कर्व, अगेन वी विल ट्रेस अ कर्व इन द सेम वे। वंस अगेन, फर्स्ट वी विल ट्रेस अ स्टैंडिंग लाइन टू द बॉटम लाइन, देन वी विल ट्रेस अ कर्व, अगेन वी विल ट्रेस अ कर्व इन द सेम वे। वंस अगेन, फर्स्ट वी विल ट्रेस अ स्टैंडिंग लाइन टू द बॉटम लाइन, देन वी विल ट्रेस अ कर्व, अगेन यू विल ट्रेस अ कर्व इन द सेम वे। सो किड्स, नाउ वी हैव डन नंबर 13। किड्स, इन दिस वे यू हैव टू कंप्लीट नंबर 13 इन योर मैथ्स नोटबुक। दिस इज योर टुडेज वर्क, सो डू योर वर्क इन नीट एंड क्लीन हैंडराइटिंग। ओके किड्स, थैंक यू। नाउ इट्स टाइम फॉर आवर हिंदी सेशन। सो किड्स, ओपन योर हिंदी वर्कबुक एंड ओपन योर पेज नंबर 39। किड्स, वंस अगेन टुडे वी विल डू लेटर औ इन योर हिंदी वर्कबुक। बच्चों, आज हम हिंदी की वर्कबुक में एक बार फिर से अक्षर औ को ट्रेस करने का अभ्यास करेंगे। ओके, सो स्टार्ट विद द डेट 2011-20। नाउ वी विल ट्रेस द लेटर औ। स्टार्ट विद द फर्स्ट वन। सबसे पहले कर्व ट्रेस कर लेंगे, फिर स्लिपिंग लाइन ट्रेस करेंगे, इसके बाद स्टैंडिंग लाइन ट्रेस करेंगे और फिर औ की मात्रा ट्रेस करेंगे, फिर स्लिपिंग लाइन ट्रेस करेंगे। एक बार फिर से अक्षर औ को ट्रेस करने का अभ्यास करेंगे। सबसे पहले कर्व ट्रेस कर लेंगे, फिर स्लीपिंग लाइन ट्रेस करेंगे, इसके बाद टू स्टैंडिंग लाइन ट्रेस करेंगे, फिर औ की मात्रा ट्रेस करेंगे और इसके बाद स्लीपिंग लाइन ट्रेस करेंगे। तो बच्चों, अब आपको भी इसी तरह साफ और सुंदर राइटिंग में अक्षर औ को ट्रेस करने का अभ्यास करना है अपनी हिंदी की वर्कबुक में। ओके किड्स, थैंक यू, बाय बाय।